अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे प्लांट्स मैंने उस रैक से उतार कर नीचे रख लिए हैं और मैंने सोचा कि आज मैं इनमें बहुत अच्छे से पानी दे दूं, क्योंकि शायान की दिवाली की छुट्टियां हो चुकी हैं और मुझे आज शायद घर जाना है। तो मैंने सोचा कि 4-5 दिन के लिए मैं जा रही हूं, तो एक बार इन सारे प्लांट्स की अच्छे से मैं वाटरिंग कर दूं ताकि मेरे जाने के बाद इन पर कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भूल जाते हैं पानी देना। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं अपने से ही करके जाऊँ। तो अभी मैंने ये सारे जो प्लांट थे तो इनको नीचे रख लिया था ताकि मैं खूब अच्छे से इन्हें पानी दे दूं, इनके जो पत्ते हैं उन पर भी हल्का सा छिड़काव कर दूं कि ये साफ़ हो जाएं। और अब इनका जब पानी अच्छे से निकल जाएगा तो मैं इनको इनकी जगह पर पहुंचा दूंगी। तो व्लॉग में बने रहिए। और दूसरा ज़रूरी काम मैंने ये किया कि ये शायान का जो स्कूल बैग है ये काफ़ी गंदा हो चुका था और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन टाइप पर है, तो ये जल्दी गंदा हो जाता है जो फेदर का होता है। तो मैंने सोचा कि 5 दिन की छुट्टी है तो मैं इसे वॉश करके रख जाती हूँ, सूख जाएगा धीरे धीरे। तो ये भी काम मैंने कर लिया है। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपनी पैकिंग कर लूँ, तो ये मैंने सारे शायान के सूट लिए हैं, इनमें से 2-3 नए हैं और बाकी सब पुराने हैं। तो सारी मैंने कोशिश ये की है कि फुल ही कपड़े ले जाऊं, क्योंकि सर्दी थोड़ी सी शुरू हो गई है। जैसे वो बाइक पर जाता है तो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, और ये इधर मेरे कपड़े हैं सारे दुपट्टों के अंदर मैंने फोल्ड कर लिए हैं और इस बैग में मैं सोच रही हूँ रख लूँ। अभी मैं देखती हूँ आता है कि नहीं आता, क्योंकि मैं अटैची वगैरह लेकर जाना नहीं चाहती, बहुत उलझन लगती है उसे कैरी करने पे। और शायद इसमें आ जाएंगे क्योंकि 3-4 मेरे सूट हैं, उनमें से मैंने भी अपने लिए 2 थोड़ा सा पार्टी वेयर रख लिए हैं और 3 डेली यूज़ के हैं, कि शायद कहीं जाना पड़ गया तो थोड़ा सा जो अच्छा वाला कपड़ा है वो मैं तब पहन लूँगी। तो अब बस जल्दी से इसे रख लेते हैं। ये एक बॉक्स में मैंने मेडिसिन रख ली है, क्योंकि जब भी कहीं जाओ तो तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। और ये मेरे जो चश्मा था इसका कवर कहीं खो गया, तो इसको भी मैंने रख लिया है इसी बॉक्स में ताकि ये टूटे ना। और इसमें रखा है मैंने थोड़ा बहुत सा मेकअप, ये मेरा परफ्यूम है, और ये मेरी ड्रेस है जो मैं आज पहनूँगी, ये देखिए येलो एंड ऑफ वाइट कलर की, ये इसका दुपट्टा और ये इसका ट्राउज़र। तो अब मैं सोच रही, और जो कपड़े थे वो मेरे और शायान के इस बैग में आ गए हैं। ये बैग देखने में तो छोटा लगता है लेकिन इसमें काफ़ी सामान आता, तो इसी की पॉकेट में मैं ये मेडिसिन रख दूँगी। शायान और हम रेडी हो चुके हैं, ये शायान पूरी ड्रेस में है आज और ये है मेरी ड्रेस, तो अगर आप लोगों को दिख रही हो, बस अब नकाब पहन रहे हैं और निकल रहे हैं और इस वक्त हो रहा है 5:15। तो हम लोग रेडी हैं और निकल रहे हैं, 5:30 बज रहा है, ये रात हाथ में लो, ये उठा ले बैग, बैग ले लो। चलो बाय करो, बाय, तो अभी रास्ते में मिलेंगे, ओके खुद भी कह रहे हैं ओके। तो बस अब ये लॉक लगा देते हैं और हम लोग निकलते हैं, बंद करते हैं। हो रहे हैं इनके पास, हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग अपनी कार पर बैठ गए और बस निकलने वाले हैं, ओके। तो ये जो रास्ता है ये घंटाघर को जाता है, घंटाघर यानी कि कानपुर रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे घर से नज़दीक है। तो हम लोग उसी रोड पर जा रहे हैं और रास्ते में काफ़ी रौनक है, बहुत सारी शॉप लगी हुई हैं क्योंकि दिवाली है। और ये जो स्कूटर वाले भैया हैं, इन्होंने हम लोगों से बताया कि आपकी कार का टायर पंक्चर है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घंटाघर पे एक शॉप है वहीं से हवा इसमें डलवा लेंगे। और ये हटिया की मार्केट है जो कि होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पर काफ़ी रौनक है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हिंदू रहते हैं, इसलिए दिवाली की काफ़ी रौनक है। तो हम लोग अब बस पहुँच गए हैं पंचर की दुकान पर, यहाँ से हवा डलवा लेते हैं फिर चलते हैं अपने घर के लिए।
लोग आ गए। हुरैन अभी सो के उठी है, मैं लग रहा है। क्यों जो हुरैन को दो, हुरैन का सामान तो दो। शायू कहाँ गए इनकी पॉलीथिन? सारी दिवाली आप ही की चल रही है, हम समझ गए थे। अब नाश्ता आ चुका है, वाइट वाले रसगुल्ले और ये नमक पारे बॉयल है और ये रोल्स हैं वेज। शायू आओ, खेल दो से। सब लोग बैठे हैं, कुरान खाओगी? नहीं, धूप खूब रहती है। शायान ने किसी से पूछा भी नहीं, गिरा जमीन में, पूरा ठूस दिया एक बार में। अभी तुम्हें बता रहा हूँ, खाना पीना सबका ख़त्म हो चुका है, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और अभी आने वाला है झलक दिखला जा। उसके बाद आएगा बिग बॉस, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।